हेलो, मैं यार एसके सर आप सभी का स्वागत करता हूँ एसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे यानी कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग के सभी एमसीक्यू को करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और पूछने का संभावना है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग का हिंदी हो यानी कि वैद्युत वायरिंग, ठीक है। वैद्युत वायरिंग का प्रश्न जो है यानी कि बार बार T2 में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, अगर वायरिंग की बात किया जाए वायरिंग कोई भी वायरिंग चैप्टर से, ठीक है। तो सभी एमसीक्यू को करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आप लोग वीडियो को इन तक देखिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। विमानों, जहाजों और कई यूरोपीय देशों में घरों में विद्युत आपूर्ति की सुरक्षा प्राथमिकता पर ध्यान देते हुए यानी कि विद्युत आपूर्ति लाइन में डैश दिया जाता है। तो दोस्तों, यानी कि विमान में जो उपयोग करते हैं लगभग यानी कि 110 वोल्ट यानी कि मान्य वोल्टेज है। तो राइट आंसर की बात किया जाए 110 हो जाएगा। ऑप्शन किसमें दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यानी कि सीढ़ी के तारों में यानी कि सर्किट में इस्तेमाल किए जाने वाले दो तरफा स्विच की न्यूनतम संख्या क्या है, ठीक है। यानी कि दो तरफा स्विच जो होता है उसमें उसका हमको यानी कि न्यूनतम संख्या इसमें पूछ रहा है वो कितना होता है वो हमको बताना है। देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले जहाँ पर यानी कि एक नीचे वाला यानी कि स्विच हो गया तो एक स्विच नीचे वाला हो गया और प्लस में एक ऊपर वाला स्विच हो गया, ठीक है। तब ना ऊपर जाएंगे तो नीचे वाला बल्ब को यानी कि बंद कर सकते हैं और नीचे अगर आएंगे तो ऊपर वाला बल्ब को बंद कर सकते हैं। तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि दो हो जाएगा, ठीक है। और वो स्विच की संख्या कितना है तो यानी कि दो है। तो राइट आंसर ऑप्शन किस में दिया है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न, यानी कि BIS के अनुसार किसी भी यानी कि संस्थापन में अधिकतम यानी कि डैश लीकेज करंट की अनुमति है। देखिए दोस्तों, BIS के अनुसार की अगर बात किया जाए तो पूर्ण लोड विद्युत धारा का जो होता है 1/5 यानी कि 5000 रिसाव होता है। कितना? 1/5000, ठीक है। ऑप्शन किस में दिया है 1/5000? ऑप्शन नंबर डी में दिया है, राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यानी कि BIS के अनुसार एक लाइट फैन के उप परिपथ में अधिकतम पॉइंट डैश से अधिक नहीं होने चाहिए। तो देखिए दोस्तों, लाइट और फैन का कह रहा है किसका? लाइट, ठीक है, लाइट और यानी कि फैन का कह रहा है। और इसका यानी कि अधिकतम पॉइंट की अगर बात किया जाए तो यानी कि 10 होता है। वहीं पर अगर वाट की क्षमता जो होता है यानी कि 800 वाट होता है। कितना? 800 वाट होता है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन निकल के आया और इस क्वेश्चन को आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन इसे पूछा जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया है, राइट आंसर की बात किया जाए बी हो जाएगा, 10 पॉइंट, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है यानी कि जब एक लैंप को 3 स्विच द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो बिजली के तारों में यानी कि स्विच का कौन सा संयोजन उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि 2 द्विमार्गी स्विच और 1 मध्यवर्ती स्विच। बी में है यानी कि 2 एक दिवसीय स्विच और 1 मध्यवर्ती स्विच। सी में है यानी कि 3 एक दिशिक स्विच और डी में दिया है यानी कि 3 द्विमर्गी स्विच, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों यानी कि 2 द्विमर्गी स्विच होता है और 1 मध्यवर्ती स्विच होता है। तो ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन ए में दिया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है, दिए गए विकल्पों में से सबसे यानी कि छोटी तार गेज का संख्या का पहचान है, ठीक है। सबसे छोटी तार यानी कि सबसे पतला वाला हमसे पूछ रहा है और सबसे यानी कि जिसका यानी कि जितना बड़ा नंबर होगा उतना ही पतला होगा, ठीक है। जिसका यानी कि जितना बड़ा नंबर उतना ही पतला, जिसका छोटा नंबर उतना यानी कि मोटा, ठीक है। तो सबसे मोटा अगर की बात किया जाए तो यानी कि इसमें 7 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से। वहीं पर हमसे सबसे छोटा वाला पहचाना है, सबसे छोटा वाला जो होगा यानी कि 40 हो जाएगा। ये सबसे यानी कि पतला तार होगा इसमें, ठीक है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है यानी कि 40, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है यानी कि भविष्य के संशोधनों के कारण किसी भी विद्युत परिपथ में डिजाइन में यानी कि कितना भार वृद्धि की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। कितना भार वृद्धि की आवश्यकता होनी चाहिए वो हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों, वो जो भार वृद्धि है यानी कि 20%, ठीक है, कम से कम 20% से कम नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन ए में दिया है, राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, किसी स्थापन का यानी कि विद्युत रोधन प्रतिरोध 50 को, ठीक है, डैश की संख्या के विभाजन से प्राप्त परिणाम से कम नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन ए में कह रहा है परिपथों, बी में कह रहा है परिपथों की बिंदुओं, सी में कह रहा है स्विचों और डी में कह रहा है परिपथों और स्विचों, ठीक है। तो राइट आंसर की बात क्या है दोस्तों? तो परिपथों और बिंदुओं, ठीक है, के संख्या के विभाजन से प्राप्त परिणाम से कम नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर यानी कि बी हो जाएगा। अब चलिए
अगला प्रश्न है यानी कि घरेलू तार संस्थापन में, ठीक है, यानी कि संस्थापन में फ्यूज का निर्धारण निर्धारित रेटिंग क्या होना चाहिए। देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए में कह रहा क्रांतिक मान का 60%, बी में कह रहा क्रांतिक मान का 75%, सी में क्रांतिक मान का 40%, और डी में क्रांतिक मान का यानी कि 150%। यानी कि कितना होना चाहिए फ्यूज का निर्धारण, यानी कि निर्धारण रेटिंग जो होता है कितना होना चाहिए, वो हमको हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो वो यानी कि 150% होता है। कितना होता है, ठीक है, 150% होता है। ऑप्शन किस में दिया है 150%, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए, बेस्ट आंसर की बात किया जाए, डी हो जाएगा। अब चलिए आगामी प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से यानी कि कौन सा परिरक्षी कंड्यूट का वर्गीकरण नहीं है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि मोटी भित्ति परिरक्षी, और बी में है यानी कि पतली भित्ति परिरक्षी, और सी में है यानी कि दीर्घ परिरक्षी, और डी में है यानी कि नम्य परिरक्षी। ठीक है दोस्तों, थोड़ा हिंदी इसका अटपटा सा है, आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो ये जो होता है यानी दोस्तों यानी कि वर्गीकरण के अंतर्गत ये नहीं आता है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि दृढ़ परिरक्षी नालिका के संबंध और यानी कि असंबंधन के लिए डैश टूल की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि पाइप रेच, बी में कह रहा है यानी कि दाब बेडर, सी में कह रहा है परिरक्षी पाइप कटर, डी में कह रहा है यानी कि बेंडिंग रैंक। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो यानी कि ये जो होता है दोस्तों ये पाइप रेच होता है। क्या होता है, पाइप रेच। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न, घरेलू तार के स्थापन के लिए डैश तक के भार को प्रवाहित करने वाले तार का यानी कि चयन करना चाहिए। तो ऑप्शन ए में 4.5 किलोवाट, बी में 5 किलोवाट, सी में 3 किलोवाट, और डी में यानी कि 6 किलोवाट। तो दोस्तों वो जो यानी कि भार तक जो उपयोग करते हैं वो लगभग यानी कि 3 किलोवाट तक, ठीक है 3 किलोवाट तक करते हैं। ठीक है, कितना तक करते हैं, 3 किलोवाट तक यानी कि किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है 3 किलोवाट, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से कौन सा परिरक्षी तार विस्थापन विधि नहीं है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि पुश इन, बी में कह रहा है यानी कि ड्राइंग आउट, सी में कह रहा है यानी कि ड्राइंग इन, और डी में कह रहा है यानी कि चूड़ीदार प्रणाली। ठीक है, वो जो नहीं होता है वो हमको पहचानना है, और नहीं जो होता है दोस्तों यानी कि ड्राइंग आउट वाला नहीं होता है। ठीक है, कर्सन आउट वाला। ऑप्शन किस में है, ऑप्शन बी में है, बेस्ट आंसर बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न, नमी के खिलाफ सुरक्षा यानी कि किस में प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन ए में करा क्लीट वायरिंग में, बी में करा सीटीएस सीट वायरिंग में, और डी में करा वुडन कैसिंग कैपिंग वायरिंग में। तो इसमें तो नहीं होता है, नहीं इसमें होता है। ठीक है, होता है दोस्तों यानी कि सीथेड वायरिंग में होता है, यानी कि सीटीसी। ठीक है, यानी कि सीटीसी वाला जो होता है यानी कि सीटीएस वाला, ठीक है, इसमें होता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है यानी कि नीमा का हमसे यानी कि एनईएमए का फुल यानी कि फुल फॉर्म हमसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स होता नहीं है, काट दीजिए, नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चर असेंबली। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं, नेशनल इलेक्ट्रिक मार्केटिंग एसोसिएशन, ये भी नहीं होता है। डी में कह रहा है यानी कि नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिकल है और इसमें भी इलेक्ट्रिकल ही, मैन्युफैक्चर असेंबली है, और इसमें जो है यानी कि एसोसिएशन है। और जो होता है दोस्तों यानी कि नीमा का फुल फॉर्म जो होता है, ठीक है, नीमा का फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों यानी कि एसोसिएशन होता है। लास्ट वाला से पहचानना है, असेंबली नहीं होता है, एसोसिएशन होता है नेशनल। ठीक है, ये हो गया नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर्स, और ये हो गया एसोसिएशन। तो राइट आंसर की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर यानी कि डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न दिया है यानी कि निम्नलिखित विकल्प में से कौन कुंडली में इस्तेमाल होने वाली परिरक्षी का एक प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन ए में करा लेड परिरक्षी, बी में करा खुला सीवन परिरक्षी, और सी में है यानी कि बंद जोड़ परिरक्षी, डी में ठोस कर्षित असीवन परिरक्षी। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर यानी कि ए सही हो जाएगा, ये जो होता है यानी कि लेड परिरक्षी होता है। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न, तार प्रमापी का उपयोग डैश के निर्धारण के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि तार की पदार्थ की संरचना, बी में कह रहा तार की सामर्थ्य, और सी में कह रहा तार के आकार, और डी में कह रहा यानी कि तार की चालकता। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो उपयोग किया जाता है तार का आकार के लिए, ठीक है, यानी कि तार का जो आकार होता है उसका यानी कि माप किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न, आवासीय भवनों में सामान्यतः कौन सी वायरिंग प्रयोग की जाती है। ऑप्शन ए में लेड सीथेड, बी में क्लीट वायरिंग, सी में लकड़ी की कैसिंग कैपिंग, और डी में धातु नली वायरिंग। ठीक है, तो दोस्तों जो प्रयोग किया जाता है वो यानी कि
लकड़ी की केसिंग टेपिंग वायरिंग प्रयोग करते हैं। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि प्लास्टर के नीचे दबे हुए प्रदक्षिणी तार स्थापन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको जो कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए में कह रहा है झिरीदार प्रदक्षिणी तार स्थापन वायरिंग, बी में कह रहा है पिष्ट प्रदक्षिणी तार स्थापन वायरिंग, सी में कह रहा है ठोस प्रदक्षिण प्रदक्षिणी तार स्थापन वायरिंग, डी में कह रहा है वेल्डेड प्रदक्षिणी तार स्थापन वायरिंग। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि प्लास्टर के नीचे जो दबाया जाता है उसको कहते हैं यानी कि झिरीदार। देखिए अगर लोकल एरिया में रहते हैं तो बहुत सारा जो यानी कि वर्कर है वो कहेंगे यानी कि झिरी काटिए, ठीक है, यानी कि झिरी मारिए, तो दीवार में उसको यानी कि एक लाइन के हिसाब से यानी कि उसको कटिंग किया जाता है, उसमें पाइप रख के इस वायरिंग का उपयोग करते हैं, यही होता है प्लास्टर के अंदर वाला। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न, यानी कि अंदर दबाने की विधियाँ सभी संभव है जब परिरक्षी की खड़ी लंबाई डैश हो छोटी और वलित, बी में कह रहा छोटी और सीधी, सी में कह रहा बड़ी और वलित, और डी में कह रहा बड़ी और सीधी, तो वो क्या होता है? देखिए दोस्तों अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो यानी कि छोटी भी होता है और एकदम यानी कि सीधा भी होता है। क्या होता है? यानी कि सीधी भी होता है। ऑप्शन किस में है? तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया है। बेस्ट आंसर की बात किया जाए तो बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न, यानी कि लाल रंग की तार को निम्नलिखित में उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यानी कि रेड जो होता है, ठीक है, यानी कि रेड का जो उपयोग करते हैं वो फेज में करते हैं। किस में? फेज में करते हैं। ऑप्शन किस में है? फेज। ऑप्शन नंबर सी में है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अर्थ के लिए कौन सा वायर होता है? न्यूट्रल के लिए कौन सा वायर होता है? तो अर्थ के लिए यानी कि ग्रीन होता है, ध्यान रखिएगा, और इसके लिए जो होता है यानी कि ब्लैक होता है। क्या होता है? न्यूट्रल के लिए ब्लैक होता है। तो राइट आंसर इसका क्वेश्चन का यानी कि सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यानी कि भारतीय विद्युत नियम, ठीक है, यानी कि भारतीय विद्युत नियम कौन सा नियम है ओवरहेड लाइनों में सबसे निचली भूमि की ऊंचाई दी गई है? ठीक है, यानी कि जो यानी कि ऊंचाई दिया गया है ओवरहेड लाइन में वो कौन सा यानी कि कौन सा जो नियम है वो बताता है? तो दोस्तों वो नियम यानी कि रूल नंबर 77 है। ठीक है, ऊंचाई के खिलाफ ये सावधानी बरतने के लिए उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, घरेलू वायरिंग के एकल फेज परिपथ में लघु पथन होने की स्थिति में लाइन और न्यूट्रल चालक एक दूसरे से दूर फेंक दिए जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो ऑप्शन ए में कह रहा अधिक धारा घनत्व, बी में कह रहा तापकरण में वृद्धि, सी में कह रहा यानी कि बलवान चुंबकीय क्षेत्र, और डी में कह रहा तारों का लचीलापन। तो दोस्तों ये कारण जो होता है बलवान चुंबकीय क्षेत्र के कारण होता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न, यानी कि सीढ़ी कक्ष की वायरिंग के मामले में लिखित में से किस स्विच का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों यानी कि सीढ़ी कक्ष में जो प्रयोग करते हैं वो टू वे स्विच का उपयोग करते हैं। ऑप्शन किस में है? टू वे स्विच। ऑप्शन नंबर सी में है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न, यानी कि किसी भी 500 वोल्ट अधि स्थापन पर इंसुलेशन प्रतिरोध लिखित से कम नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों 500 वोल्ट है ना, तो उसके लिए यानी कि कम से कम आपको यानी कि 50 यानी कि मेगा ओम क्या होना चाहिए, इतना इंसुलेशन प्रतिरोध से कम नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि विद्युत वायरिंग में अधिनियम का पालन किया जाता है? तो दोस्तों ये जो पालन किया जाता है 1956, ठीक है, रूल 1956 ये अधिनियम पालन किया जाता है। ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, द्विमार्गी स्विचिंग के तात्पर्य है डैश के नियंत्रण के लिए भिन्न भिन्न दिशाओं में दो या अधिक स्विचों का उपलब्ध होना। ऑप्शन ए में कह रहा है दो लैंप, बी में कह रहा है एक लैंप, सी में कह रहा है तीन लैंप, डी में कह रहा है यानी कि चार लैंप। दोस्तों यानी कि लैंप का जो संख्या होता है वो यानी कि एक ही लैंप होता है, उसको दो जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेस्ट आंसर यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, अस्थायी वायरिंग में यांत्रिक शक्ति डैश होती है? ऑप्शन ए में कह रहा यानी कि शून्य, बी में कह रहा बहुत कम, सी में कह रहा उच्च, डी में कह रहा अस्थायी वायरिंग से अधिक। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर यानी कि बी सही हो जाएगा, ये जो होता है बहुत कम होता है, ऑप्शन बी। अब चलिए अगला प्रश्न है, बिटानिया जोर का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये जो करते हैं यानी कि ओवर हेड लाइनों में करते हैं, ठीक है, ओवर हेड लाइन में करते हैं। ऑप्शन किस में दिया है? सीरो परी लाइन। ऑप्शन ए में दिया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि छत के पंखे को फर्श से न्यूनतम किस ऊंचाई पर लटकाना चाहिए? तो दोस्तों ये जो होता है, ठीक है, 2.75 मीटर, अगर इतना ऑप्शन में नहीं है तो 2.5 मीटर चल सकता है। तो राइट आंसर यानी कि सी हो जाएगा।